Hello everyone, this is Komal Khurgade, lecturer in Electronics and Telecommunication Department, NIT Polytechnic, Nagpur. In last lecture, we are start our unit number 1, that is Fundamental of Electronics Measurement. And today's topic is Error in Measurement. In last lecture, we are discuss about the characteristic of measurement, that is static characteristic and dynamic characteristic. And the static characteristics consist of accuracy, precision, range, span and all. And in dynamic characteristic, this is consist of overshoot, fidelity and speed of response. And today's session is error in measurement and types of error. So before start our today's topic, first of all we discuss about the learning outcomes. So the learning outcomes is able to learn about error in measurement, understand the types of error and discuss about the classification of error. ये आज के हमारे टॉपिक के लर्निंग आउटकम्स है. हमें क्या पढ़ना है आज? एरर इन मेजरमेंट, types of error and classification of error. Let us start with topic, that is error in measurement. So student, what is error? Error is difference between observed value and true value. Kya hai error? Jo hamari observed value hai and true value hai, un dono ke bich ka difference matlab hai hamara error. फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक कुछ वोल्टेज मीटर करने के लिए ओल्ट मीटर है और वो जो ओल्ट मीटर है उसकी वैल्यू मैंने जो ऑब्जर्व की, वोल्टेज एक चीज का ऑब्जर्व किया, वो आया मेरा 10 ओल्ट, बट उसका जो ट्रू वैल्यू है, ट्रू वोल्टेज है, वो है हमारा 12 ओल्ट. मीन्स उसका वोल्टेज कितना आना चाहिए था? 12 ओल्ट, बट जो ऑब्जर्व करने के बाद जो वोल्टेज आया वो कितना आया? 10 ओल्ट. तो एरर मतलब क्या है कि जो हमारे ट्रू वैल्यू है और हमारा जो ऑब्जर्व वैल्यू है वो दोनों के बीच का डिफरेंस मतलब है हमारा एरर. तो अभी मैं क्या करूंगी, यहाँ पे 12 माइनस 10 करूंगी, मीन्स हमारा एरर कितना आ जाएगा? 2 वोल्ट. तो इसे ही हम बोलते हैं एरर. नाउ सी द टाइप्स ऑफ एरर एंड द एरर्स आर क्लासिफाइड एज human error or gross error. Second is system error or systematic error. Third is random error. Fourth is absolute and relative error. And last one is limiting error. भी क्या है हमारा? पहला है हमारा human error, जो हमारे human के कारण होगा वो, उसी को हम बोलते हैं gross error. सेकेंड है हमारा सिस्टम एरर, मीन्स जो भी इंस्ट्रूमेंट है, जो भी सिस्टम यूज कर रहे हैं उसमें जो पहले से एरर रहेंगे वो मतलब है हमारा सिस्टम एरर. ये है हमारा रैंडम एरर, जो हमारे हाथ में नहीं रहता, सिस्टम के हाथ में भी नहीं रहता, वो है हमारा रैंडम एरर. उसके बाद है हमारा एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव एरर और लास्ट है हमारा लिमिटिंग एरर. मीन्स अगर इंस्ट्रूमेंट की लिमिट हमारी कम है और हम ज्यादा लिमिट का कोई इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं, वह है हमारा लिमिटिंग एरर. So start with human error. What is human error? The human error is namely due to human mistake in reading instrument. क्या है? जो हम mistake करेंगे in reading instrument and understanding and calculating the measure result. For example, कोई एकादा human है वो instrument को operate कर रहा है, तो वो जो रीडिंग है उस इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल 12 वोल्ट आ रहा है और वो रीड कर रहा है 11, तो वो क्या होगी? मिस्टेक होगी उसकी. उसके बाद अंडरस्टैंड, उसको वो जो देखा उसने और पढ़ा उसने, उसकी अंडरस्टैंडिंग. और अगर वो कैलकुलेट करते करते टाइम कुछ फॉर्मूला यूज करके हम कैलकुलेट करेंगे तब जो एरर आएगा उसको हम बोलेंगे ह्यूमन एरर. Now see here one example of human error. क्या है यहाँ पे? एक स्केल है, ये हमारी स्केल है जिसकी रेंज है हमारी 0 to 18. अभी मुझे ये पेन है, इसकी लेंथ मापनी है,
तो मैं क्या करूँगी, ये पेन यहाँ पे रखूँगी। पेन रखा मैंने स्केल पे साइड के, और ये जो है मेरा एंगल है ये करेक्ट एंगल है, मतलब मैं डायरेक्ट देख रही हूँ। तो मेरा जो मेजर आएगा, मेजरिंग कर रही हूँ, तो मेरी लेंथ कितनी आएंगी, देखो यहाँ पे 10 के आसपास है। बट वहीं से अगर मेरा सेकेंड ऑब्जर्वर है, मेरा अगर एंगल गलत हो गया, ये इनकरेक्ट एंगल है, अगर ये एंगल गलत हो गया तो मेरा देखो रीडिंग क्या आएगा, 8 आ रहा है रीडिंग। तो ये होता है ह्यूमन एरर। मीन्स क्या कर रही हूँ मैं, वो इंस्ट्रूमेंट है जो उसको देख रही हूँ वो मेरा इनप्रॉपर है। अगर मैंने उसको करेक्ट एंगल में देखा तो मेरा जो गिनती आएंगी उसकी वो करेक्ट आएंगी, और अगर इनकरेक्ट एंगल से मैंने अगर देखा तो वो जो है हमारा जो रीडिंग्स है वो गलत आएंगे। तो ये हमारा ह्यूमन एरर। नेक्स्ट इज सिस्टमैटिक एरर। अभी हम देखेंगे सिस्टमैटिक एरर क्या होता है। एंड दिस सिस्टमैटिक एरर आर क्लासिफाइड एज फॉलो। फर्स्ट इज इंस्ट्रूमेंटल एरर, सेकेंड इज इन्वायरमेंटल एरर, थर्ड इज ऑब्जर्वेशनल एरर। क्या है, पहला है हमारा इंस्ट्रूमेंटल एरर, सेकेंड है हमारा इन्वायरमेंटल एरर, एंड थर्ड इज ऑब्जर्वेशनल एरर। अभी हम देखेंगे व्हाट इज इंस्ट्रूमेंटल एरर। सो इंस्ट्रूमेंटल एरर क्यों आता है, इनहेरेंट स्टार्ट कमिंग इन इंस्ट्रूमेंट। मीन्स वो इंस्ट्रूमेंट पहले से ही अगर गलत होगा तो सीयर, यहाँ पे देखो ये है हमारी स्केल है, मैं इसको लेंथ मेजर करने के लिए यूज कर रही हूँ, तो ये पहले से यहाँ से टूटी है तो मैं लेंथ यहाँ से मेजर करूंगी। मीन्स ये इंस्ट्रूमेंट क्या है, पहले से ही खराब है, तो वो क्या होगा मेरा इंस्ट्रूमेंटल एरर। सेकेंड इज मिस यूज ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ये इंस्ट्रूमेंट का अगर मैंने मिस यूज किया तो वो क्या हो जाएगा हमारा, मिस यूज करने के वजह से भी हमारे इंस्ट्रूमेंट में एरर आ सकता है। एंड थर्ड इज लोडिंग इफेक्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। अगर हमारा इंस्ट्रूमेंट लोड ही नहीं हुआ और मैं स्विच ऑन कर रही हूँ ऑफ कर रही हूँ तो वो भी इफेक्ट आ सकता है, अगर हमारे इंस्ट्रूमेंट की लोडिंग नहीं हुई तो। तो सिस्टमैटिक एरर मतलब क्या होता है, वो अगर हो सकता है इंस्ट्रूमेंट पहले ही मूल का ही पहले खुद ही वो खराब हो, या फिर हम ऑपरेट कर रहे तब उसमें कुछ खराबी आए, या फिर उसमें अपलोडिंग में कुछ प्रॉब्लम है। देखो यहाँ पे अगर मुझे 20 तक मापना है, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, द लेंथ ऑफ द रूल इज नॉट एग्जैक्टली 20। है क्या ये एग्जैक्टली 20? यहाँ का जो पार्ट है वो तो क्या हो गया, रिमूव हो गया है, ये तो दिख रहा है हमें यहाँ से यहाँ तक, तो एग्जैक्टली 20 है क्या? नहीं। तो ये क्या है, इनहेरेंट स्टार्ट इन कमिंग इन द इंस्ट्रूमेंट। नाउ नेक्स्ट इज इन्वायरमेंटल एरर। एंड द इन्वायरमेंटल एरर आर ड्यू टू कंडीशंस एक्सटर्नल टू द मेजरिंग डिवाइस। ये एरर किस पे डिपेंड है हमारा, इन्वायरमेंटल की कंडीशन में, एक्सटर्नल कंडीशन में। नाउ सी हियर, दिस में इंक्लूड इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, डस्ट एंड इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। क्यों आ सकता है ये, टेम्परेचर के वजह से आ सकता है, प्रेशर के वजह से आ सकता है, और ह्यूमिडिटी की वजह से आ सकता है, नहीं तो फिर डस्ट हो सकता है, नहीं तो फिर कोई हमारा एक्सटर्नल मैग्नेट पे इफेक्ट होगा, उसकी वजह से हमारा इन्वायरमेंटल एरर आ सकता है। अभी हम एक देखेंगे एग्जाम्पल। अभी मुझे ये जो एप्पल का मास वेट करना है, ये हमारा एप्पल है उसका मुझे वेट करना है, तो मैं वेट मशीन पे रख रही हूँ उसको, लेकिन अगर वहाँ पे कुछ वाइंड हवा आ रही है तो वो क्या होगा, इसका बैलेंस चला जाएगा। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये मुझे गलत रीडिंग दिखाएगा, तो वो गलत रीडिंग क्यों आ रहे हमारे, बिकॉज ऑफ इन्वायरमेंटल में चेंज हो रहा, तो वो हो जाएगा हमारा इन्वायरमेंटल एरर। नाउ अभी हम देखेंगे ऑब्जर्वेशनल एरर। सो See here, someone say that instruments are better than the people who use them. क्या instrument better है जो people उसको use करते हैं, उससे ज़्यादा हमारा instrument क्या रहता है, better रहता है। Now see, क्या होता है observational error? When an instrument has been properly selected, carefully installed and faithfully calibrated, shortcoming in measurement occur due to certain falling on these पार्ट ऑफ ऑब्जर्वर। मीन्स अगर हमारा इंस्ट्रूमेंट हम प्रॉपरली सिलेक्ट कर रहे हैं, केयरफुली अगर उसको इंस्टॉल कर रहे हैं
और फेथफुली उसको कैलिब्रेट कर रहे हैं, तो शॉर्ट का मतलब कम एरर आएंगे, बट अगर उसको हमने अच्छे से ऑब्जर्व ही नहीं किया, अच्छे से इंस्टॉल ही नहीं किया, तो उसमें ज़्यादा एरर आएंगे। तो अभी हम देखेंगे कि ऑब्जर्वेशनल एरर क्या होता है। देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, यहाँ पे हमारे दो यूज़र हैं, दो ऑब्जर्वर हैं। एक जो ऑब्जर्वर है वो खुद ही यहाँ पे क्या कर रहा है, खुद ही इंस्टॉल कर रहा है, खुद ही उसको हैंडल कर रहा है, और सेकंड जो है वो सिर्फ ऑब्जर्व कर रहा है। तो अभी जो ये जो हैंडल कर रहा है वो खुद हैंडल कर रहा है, तो उसने जो यहाँ पे बॉक्सेस रखे हैं वो उसको पता है, वो बॉक्सेस रख रहा है। बट ये जो ऑब्जर्वर है, ये जो ऑब्जर्व करेगा, तो ये सिर्फ यहाँ के जो बॉक्सेस है वही ऑब्जर्व करेगा, और इसके वजह से ये जो बॉक्सेस है जो हमारे फर्स्ट ऑब्जर्वर के वजह से छुप गए वो इसको दिखेंगे क्या? नहीं। मींस ये सेकंड ऑब्जर्वर है, ये सिर्फ इतना ही सेशन हमारा ऑब्जर्व कर रहा है, बट हमारे इसमें तो ये सेशन भी है बट वो ऑब्जर्व नहीं कर रहा, तो ये हो जाएगा उसका ऑब्जर्वेशनल एरर। भी उसके साथ सेकेंड एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे फिर से हमारा थर्ड यूजर है। फर्स्ट यूजर तो वही काम कर रहा है, उसको पता है, वो रख रहा है यहाँ पे। उसके बाद ये जो ऑब्जर्व करेंगे तो इसको भी यही चीजें दिखेंगी, इसके पीछे की चीजें नहीं दिखेंगी। वैसे ये जो हमारा थर्ड यूजर है इसको यहाँ की चीजें दिखेंगी, बट इसके वजह से ये आगे में क्या रखा है ये नहीं दिखेगा, मतलब ये ऑब्जर्व नहीं कर पाएगा। उसके बाद जो सेकेंड यूजर था वो सिर्फ आगे की चीजें ऑब्जर्व करेगा, ये इसके बाद वाली चीजें ऑब्जर्व नहीं कर पाएगा, तो वो होता है हमारा ऑब्जर्वेशनल एरर। मीन्स अगर इसने यहाँ की चीजें गिनी तो ये अलग आएंगी, ये अगर गिन रहा तो इसकी चीजें अलग आएंगी, तो ये हमारा ऑब्जर्वेशनल एरर। नाउ नेक्स्ट इज रैंडम एरर, एंड दिस एरर विच आर मस्ट एंड ऑल आउट ऑफ ह्यूमन कंट्रोल आर कैटेगराइज एज द रैंडम एरर। जो ह्यूमन कंट्रोल के बाहर है उस वो एरर मतलब है हमारा रैंडम एरर। वेन इट इज कॉन्स्टेंटली फाउंड दैट एक्सपेरिमेंट रिजल्ट शो वेरिएशन फ्रॉम वन रीडिंग टू अनादर। क्या है? कॉन्स्टेंटली फाउंड दैट एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट शो वेरिएशन फ्रॉम वन अनादर। क्या है? हमारा जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है उसमें हमें वेरिएशन दिखेंगे बट फ्रॉम अनादर रीडिंग। नाउ सी हियर, द हैपनिंग एंड डिस्टर्बेंस अबाउट विल बी अनवेयर आर लम टूगेदर आर कॉल्ड रैंडम एरर। क्या बोलेंगे हम उसको? रैंडम एरर। जो हैपनिंग एंड डिस्टर्बेंस आएगा उसको हम बोलेंगे रैंडम एरर। नाउ सी हियर, हमारे एक स्केल है, ये स्केल में मुझे ये लाइन की लेंथ मापनी है, तो मैं क्या करूंगी, ये दोनों को कंपेयर कर रही हूँ। तो देखो यहाँ पे इसकी जो लेंथ है क्या आ रही है हमारी, यहाँ पे 20 to 30 के बीच में, उसमें भी थोड़ा सा सरके यहाँ पे। देखो मैं ये गिन सकती हूँ कि यहाँ का कितना है, तो वो जो ये क्या है, नाइदर 25 भी है, इसको बीच वाले को 25 बोलेंगे, नॉट 26 भी है, ये पूरा 26 भी नहीं आ रहा और 25 भी नहीं आ रहा, तो ये एरर को बोलेंगे हम रैंडम एरर, जो हमारे ह्यूमन कंट्रोल के बाहर है। नाउ सी हियर अनादर एग्जांपल, यहाँ पे भी देखो ये मुझे ये फिर से एक स्केल है, इसको भी मुझे मापना है, तो मेजर करना है, तो देखो यहाँ पे भी ये क्या आ रहा है, एग्जैक्ट 25 भी नहीं है और एग्जैक्ट 26 भी नहीं है, तो ये जो मैं इसे गिन नहीं सकती, ये एरर मतलब होता है हमारा रैंडम एरर। नाउ नेक्स्ट इज एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव एरर, एंड द एब्सोल्यूट एरर इज डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट एरर। क्या है? ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू का डिफरेंस मतलब है हमारा एब्सोल्यूट एरर। नाउ सी हियर, ट्रू वैल्यू है हमारी 12 kΩ, एक रजिस्टर है जिसकी ट्रू वैल्यू पहले से वैल्यू पता होती है, वो है हमारी 12 kΩ, और उसके बाद उसको मेजर करने के बाद वैल्यू आ रही है हमारी 10 kΩ। ट्रू वैल्यू क्या आती है हमारी 12, और मेजर करने के बाद मेजर वैल्यू क्या आ रही है हमारी 10। तो अभी ये दोनों के बीच का डिफरेंस मीन्स 12 - 10 = 2, और ये जो 2 आएगा ये मतलब है हमारा एब्सोल्यूट एरर। नाउ सी हियर, द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट एरर
The ratio of absolute error and the true value of quantity is called relative error. क्या है? Ratio of absolute error and true value. अभी देखो हमने यहाँ पे absolute error निकाला वो कितना आया? 2. और that 2 and true value. True value कितनी थी हमारी? 12. अभी वो दोनों का ratio CR 2 raised to the 12 है. ये दोनों का ratio मतलब है हमारा relative error. Now, last one is limiting error. The manufacturer has to specify the deviation from the specified value in order that the user may select the component according to the requirement. The limit of the deviation from specified value. For example, आप लोगों ने practical perform किए होंगे तो कभी कभी register की value दी रहती है कि हमें कौन से range का register use करना है. तो उसकी limit दी रहती है 0 to 15 किलो ओम वगैरह. वो क्या होगी? उसकी limit होगी. अगर हमने उससे ज्यादा 16 का अगर use किया तो क्या है, वो जो manufacture किया device है उसको accept ही नहीं करेगा. तो वो होता है limiting error कि जो limit उसकी दी है वही हम use करेंगे. वो तो हमारा क्या, इंस्ट्रूमेंट भी हमें प्रॉपर रीडिंग्स दिखाएगा. अगर हमने वो लिमिट के बाहर, वो रेंज के बाहर अगर इंस्ट्रूमेंट यूज किया तो हमारा जो एरर आएगा वो एरर मतलब होगा हमारा लिमिटिंग एरर. नाउ समराइज टुडेस टॉपिक. आज हमने पढ़ा है एरर इन मेजरमेंट, उसके बाद टाइप्स ऑफ एरर दैट इज ह्यूमन एरर, सिस्टम एरर, रैंडम एरर, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव एरर, एंड लास्ट वन इज लिमिटिंग एरर. So, I hope सबको आज का टॉपिक समझ गया होगा. So, in next lecture, we will going to learn about standard of measurement. Next lecture में हम पढ़ेंगे standard of measurement. So, thank you student. Thank you.